आफ्टरनून क्लास, आज हम लोग आयु संबंधित सवालों को करेंगे। तो इससे पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक्स को जान लें, ठीक है। इसमें जैसे हमने आपसे कहा कि राम की वर्तमान आयु 12 वर्ष है और श्याम की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अब ये बताइए कि 4 साल बाद राम की कितनी होगी, तो 4 साल बाद 12 में 4 जोड़ दोगे तो आपको 16 वर्ष मिल जाएगा। श्याम की कितनी 4 वर्ष बाद होगी, 4 वर्ष बाद इसमें 15 में 4 जोड़ दोगे तो 19 वर्ष होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा इस पॉइंट में आप ये देख रहे हो कि जो राम है, राम श्याम से बड़ा है, सॉरी राम श्याम से छोटा है, कितने साल छोटा है, तो उसके लिए इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ गया, 3 साल आ गया। कितना आ गया, 3 साल। तो अच्छा अब ये बताइए 4 साल बाद कितना छोटा होगा, तो 4 साल बाद ये देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 19, तो आपका छोटा कितना, 3 ही साल रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आज की आयु का अंतर हो या 4 साल बाद की आयु का अंतर हो, वो हमेशा क्या रहेगा, समान ही रहेगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कई जगहों पर यूज करेंगे। अब आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि बाद वाले के लिए आपको प्लस करना है, पहले वाले के लिए माइनस करना है, आपको एक रेफरेंस लाइन लेनी है, ठीक है। उस रेफरेंस लाइन से आप आगे बढ़ोगे तो आयु में प्लस कर देना, और इस रेफरेंस लाइन से आप नीचे आते हो तो आप माइनस कर देना, ठीक है। तो अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो इस सवाल को और आपसे पूछा है कि इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए आप यक्षमान के भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि कल हमने कुछ सवाल आय और खर्च संबंधित किए थे, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सवाल है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले उस आयु का अनुपात लिखते हैं जो पहले घटित होती है। यहाँ पे वर्तमान दिया है कितना, 9:16, फिर इस वर्तमान के बाद का कि 10 वर्ष बाद, यानी कि बाद की आयु का अनुपात है कितना, है 2:3। तो सेम कल की तरह इसे सजा के हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि दोनों का 10 साल बाद, तो 10-10 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस 9 का गुणा इस 16 में कर दीजिए, सॉरी सवाल यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ये आपका अनुपात था 2:3, तो इस 9 का गुणा इस 3 में कर दीजिए और इस 2 का गुणा 16 में कर दीजिए। तो 9 का गुणा 3 में किए तो आया 27 और इस 2 का गुणा 16 में किया तो आया 32। इन दोनों को घटाए तो हमें मिला 5, कितना मिला, 5। फिर उसके बाद आपको क्या करना कि इस वाली संख्या गुणा यहाँ करना है, इस वाली संख्या का गुणा यहाँ करना है। तो आपने देखा कि 10 × 20 हुआ, 10 × 3 = 30 हुआ, ठीक है। तो हम एक बार पूरा एक एक प्रोसेस लिख रहे हैं, बाकी काम आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। तो ये हमने कर दिया कि 2 × 10 डिफरेंस 3 × 10 बराबर आपको कितना आया, ये 20 और 10 ये हो गया 10, घटा के कितना आ गया, 10। अब क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल करना है, यानी कि 5 की वैल्यू 10 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2। तो आपसे कब की आयु पूछा है, तो दोनों की आयु का अंतर पूछा है, तो इस 2 का गुणा यहाँ पे करना, तो 1 का मान 2 हुआ तो 9 का मान कितना हुआ, 18 हुआ, 1 का मान 2 है तो 16 का मान कितना होगा, 32 होगा। तो दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो 32 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 32 में से आप 18 घटाओगे तो 14 आ जाएगा, सॉरी हाँ कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। तो आपका ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर मैं इस सवाल को आपको बता रहा हूँ दोबारा से, क्या करना है कि जो आयु पहले आएगी, एक्चुअल में पहले घटित होगी, उस अनुपात को आप सबसे ऊपर लिखना। यहाँ पे रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 9:16 दिया है, फिर उसके बाद आपको कहा कि 10 वर्ष बाद 2:3 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2:3 लिखोगे, ठीक है। अब
रेफरेंस से कितना इस वर्तमान से 10 साल बाद, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, क्योंकि दोनों के नीचे 10 10, क्योंकि दोनों में 10 10 बढ़ रहा है। हमने कहा कि इस 9 का गुणा इस 3 में कर लो, इस 16 का गुणा इस 2 में करो, तो 16 दुना 32 हुआ, 9 तिया 27 हुआ। ज़्यादा में से कम को घटाना है, तो 27 में से 32 घटाओगे तो आ जाएगा 5। फिर हमने कहा कि इस 2 का गुणा इस 10 में करो, इस 3 का गुणा इस 10 में करो। अब बड़े में से छोटे को घटा देना, ये आया 20, ये आया 30, घटाए तो आया 10। तो इस 5, इस वाली वैल्यू को इसकी इक्विवेलेंट कर दो, तो 5 का मान 10, तो 1 का मान कितना आया, 2 आया क्या, 1 का मान 2 आया, तो इसको यहाँ पे पुट कर देना, तो 1 की वैल्यू हो गई 18 और दूसरे की वैल्यू कितनी हो गई, दूसरे की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16 दूना 32, और घटाने पे कितना आता है, 14 आता है। 18 से 32 घटाओगे तो 14 आएगा, ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। इसे यक्स मान के लगाएं, चलिए यक्स मान के भी, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो वर्तमान आयु कितनी है, चलो तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने काम पे। तो हमने कहा इसे यक्स मान के कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे 9 अनुपात, 9 अनुपात 16 से हो गया 9x, ये हो गया 16x। अच्छा, इस वर्तमान से 10 साल बाद का अनुपात दिया, तो यहाँ पे प्लस 10 कर लेना, यहाँ पे प्लस 10 कर लेना, और ये अनुपात कितना हो गया, अनुपात का मतलब भाग दे रहे हो, तो ये कितने के बराबर, 2/3। और यहाँ पे आप इस तरह से क्रॉस गुणा करते हो, क्रॉस गुणा करते हो, तो हो गया 9^3 27x। चलो अच्छा, हम 27x डायरेक्ट लिख लेते हैं, 27x प्लस 10 या 30 बराबर, इस 2 का गुणा 16 में करते हो तो 32x हो जाएगा, इस 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20 होगा। इस तरह से आप इसे लेके जाओगे, तो 27 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा, 5x, 30 में से इस 20 को घटाओगे तो कितना आएगा, 10, तो x बराबर कितना आया, 2। तो वर्तमान आयु देखोगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 32, दोनों का अंतर पूछा तो अंतर 14। तो सेम वही प्रोसेस है, हमने आपको क्या कहा था कि आप एक क्रम से इनको रखते जाना, इस तरह से गुणा करोगे, तो हमने आपको डायरेक्ट फाइनल स्टेज पे बताया कि कैसे इस सवाल को लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है, बाद में यह अनुपात 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछा है। तो आपको हमने कहा कि जो आयु पहले होगी उसके अनुपात को ऊपर लिखो, तो 4:5 वर्तमान पहले, 5 वर्ष बाद वाला अनुपात बाद में आएगा, तो इसलिए हमने बाद में लिख लिया 5:6। अब देखो वर्तमान से कितना साल बाद है, तो 5 साल बाद है, तो इन दोनों के नीचे 5-5 हमने लिख दिया, तो इसका गुणा यहाँ कर लो, इसका गुणा यहाँ कर लो, तो 4×4=24 हो गया, 5×5=25 हो गया, दोनों का अंतर कितना आया, दोनों का अंतर आया 1, इसे ऐसे लिख ली। अब यहाँ पे 5 का गुणा 5 में 25 हुआ, 5 का गुणा यहाँ पे 6 में किए 30 हुआ, 25 और 30 का अंतर कितना हुआ, 5 हुआ, तो 1 का मान 5 हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का मान 5 है तो इस 4 का मान 20 हो जाएगा, और 1 का मान 5 है तो इस 5 का मान 25 हो जाएगा। किसका आयु पूछा है, ए का पूछा है, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा, तो जिसका पूछा है आपकी नज़रें उसी पे होनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो इस मेथड से उम्मीद करता हूँ कि आप डायरेक्टली इस सवाल को कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको यक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल, कहा कि विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाता है, तो इनको हमने 17:20 कर दिया। तो आपसे किसकी आयु पूछा है, शेखर की आयु पूछा है, तो कितने साल बाद की बात कर रहे हैं, 6 साल बाद की, तो यहाँ पे हमने 6 साल नीचे रख दिया, वही कहानी यहाँ पे गुणा करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो कि हो जाएगा 14×28=280 आ गए, यहाँ पे 17 का गुणा करोगे तो 289 आएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा।
आगे देखते हैं, 17 का गुणा 6 में करना, इस 20 का गुणा 6 में करना। 17 20 का अंतर 3 आया, 3 गुणे 6 किए तो 18, 9 का मान 18 आया तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान 2 आ जाएगा। आपसे पूछा किसकी, शेखर की आय, शेखर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 17 है तो 1 का मान 2, तो इस 17 का मान कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब कुछ लोगों को ये वाला ऑप्शन हमने डायरेक्ट 18 क्यों लिख दिया ये नहीं पता चल रहा हो, अरे मेरे भाई ये 17 गुणे 6 है, ये 20 गुणे 6 है, ठीक है, दोनों जगहों पे 6 कामन है तो 6 कामन कर लो, तो अंदर बचेगा 20 माइनस 17 किए तो कितना आया आपके हाथ में, 20 माइनस 17 किए तो आपके हाथ में 3 आया, बाहर 6 है तो वही गुणा करने पे 18 हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे वाले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको कहा गया कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आय का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आय का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आय पूछा है। अब देखो वर्तमान आयु ये दिया 3:4, 10 वर्ष पूर्व की आय का अनुपात 4:7, ठीक है, तो अब ऊपर कौन सा लिखोगे, हमने कहा कि जो आयु पहले आएगी, जो एज पहले आएगी उसे आप पहले देखना उस अनुपात को, तो पहले 10 वर्ष पूर्व वाली आएगी ना, तो 10 वर्ष पूर्व वाली का अनुपात कितना है, 4:7 है, तो यहाँ पे हमने 4:7 लिख दिया। फिर उसके बाद वर्तमान आयु का अनुपात कितना है यहाँ पे, 3:4, तो यहाँ पे हमने इसे 3:4 कर दिया, 10 वर्ष पूर्व होते दोनों के नीचे यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है। आपको करना क्या कि ये 4 चौके 16, ये 7 रिक्के 21, 16 और 21 का डिफरेंस कितना, 16 और 21 का डिफरेंस है 5 होता तो हमने 5 लिख दिया। अच्छा इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, और उस 1 में इस 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10। या तो आप ऐसे गुणा करके इनको घटा लेना, या डायरेक्ट घटा के तब इस 10 का गुणा कर लेना, तब भी काम हो जाएगा। तो 5 का मान 10, तो 1 का मान कितना आएगा, 2। तो आपसे पूछा क्या है, हमेशा इस वाली वैल्यू का ऊपर ही गुणा करना, नीचे मत करना, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। किसका पूछा है, मीरा का, तो मीरा का 10 वर्ष पहले कितनी आ रही है, 8 वर्ष, 10 वर्ष पहले 8 वर्ष आ रही है, तो वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान में 18 होगी, वर्तमान में कितना होगा, 18 होगा। आपसे कब की आयु पूछा है, 5 वर्ष बाद की, यानी कि वर्तमान से 5 साल बाद, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवालों को देख के, जो एज वाले सवाल आपको प्रॉब्लम करते हैं उनको आप देख के सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं होती, बेसिक आपको एक सवाल आता है तो ये समझने में आसान होती है, और ये भी बात, मेरी बातें आपको याद रहती हैं तब भी आसान, कोई फार्मूला नहीं, किताबों में ढेर सारे फार्मूले इस पे दिए रहते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखिएगा यहाँ पे कहा है कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु है 34 वर्ष, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होता है 14:5, तो पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा आपने औसत पढ़ा होगा, तो आप औसत बराबर क्या पढ़ते हो, 2-3 बातों को ध्यान से सुनिए। औसत बराबर आप पढ़ते हो सर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो पढ़ते हो ना। तो इस सवाल को हम लोग लगाएंगे कैसे, इस सवाल को लगाने के लिए तो इनका योग चाहिए, तो व्यक्ति और उसकी पुत्री, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 2, और आयु का औसत कितना है 34, तो योग कितना हो जाएगा, 2 × 34 हो जाएगा 68 वर्ष, कितना हो जाएगा 68 वर्ष, ठीक है। अब आगे आपको कहा गया कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाता है, कितना हो गया अनुपात 14:5, तो अब हमें ये जो आयु का योग चाहिए ना, जब का ये अनुपात दिया होगा तभी की आयु का योग चाहिए, ठीक है, ये अनुपात 4 साल पहले का रहेगा तो हमें आयु का योग 4 साल पहले का चाहिए होगा, तो लेकिन आपको अनुपात कब का दिया, 4 वर्ष बाद का, योग कितने कब का है ये आपके पास,
वर्तमान का 68 साल है, तो अच्छा ये बताओ कि 4 साल बाद दोनों की एज में कितनी कितनी की वृद्धि होगी। 4 वर्ष बाद दोनों की एज में 4-4 साल की वृद्धि होगी, तो 4-4 साल की वृद्धि होगी तो दोनों को मिला के 8 साल की वृद्धि हुई। 8 साल की वृद्धि हुई और वर्तमान में 68 है, तो 4 साल बाद दोनों की आयु का योग 8 प्लस 68 यानी कि 76 वर्ष होगी क्या। अब एक बात और, यहाँ पे 4 साल बाद एक की आयु 14 है, उसके बेटे की आयु कितनी है 5, तो मिला के दोनों कितनी हुई 19, और उस 19 का मान कितना दिया 76 वर्ष, कितना दिया 76 वर्ष, तो एक का मान कितना होगा, एक का मान 4 आएगा, एक का मान कितना आएगा आपका 4 आया, तो एक का मान 4 आया तो ये आपका 4 साल बाद 14 चौके 56 हो जाएगा उसका, उसके एक का और उसके बेटे के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपसे कब का पूछा वर्तमान आयु, तो पुत्र की कितनी वर्तमान आयु आई 20 वर्ष, कितनी आई 20 वर्ष, ऑप्शन में है नहीं तो आप इसे इनमें से कोई नहीं लगा सकते हो, ठीक है। सॉरी आपका ये जो आपने एज निकाला है कब का निकाला, 4 वर्ष बाद का ना, 4 वर्ष बाद 20 है तो वर्तमान कितना होगा, तो 4 घटाओगे तो कितना आपका आंसर आना चाहिए 16 आना चाहिए, 16 नहीं तो डी ऑप्शन संयोग से हमारा सही है, ठीक है। तो इस सवाल के बेसिक पे कुछ हम आपको बेसिक बता देते हैं, फिर दोबारा से इसे रिपीट करते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि ए की वर्तमान, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और इनकी आयु का योग है 36 वर्ष, कितना है 36 वर्ष। तो अब हम आपसे पूछें कि ए और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनके अनुपात को जोड़ना होगा, जैसा कि हमने आपको अनुपात में सिखाया था रेशियो में क्या, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, मिलके हुआ 9, इस 9 की वैल्यू कितनी होगी, इस 9 की वैल्यू हो रही है 36, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू हो रही है सर 4, तो 1 की हो जाएगी 16, बी की हो जाएगी 20, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग उस सवाल को लगाना था, बस यहाँ पे क्या दिया गया है कि बाद वाला अनुपात दिया गया है, तो आपको योग कब का चाहिए, बाद का चाहिए, यदि अनुपात पहले का देता तो आपको योग कब का चाहिए होगा, पहले का चाहिए होगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो पिछले सवाल को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस सवाल में व्यक्ति और पुत्री की आयु का औसत दिया है 34, तो इनका योग कितना हो जाएगा 34 गुणे 2, क्योंकि सर औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो योग बराबर क्या हो जाएगा औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देना, ये हो गया 68 वर्ष। फिर उसके बाद 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 14:5, तो यानी कि दोनों की ये 4-4 साल बढ़ जाएगी, टोटल कितनी बढ़ी 8 बढ़े, तो वर्तमान योग कितना हो जाएगा, योग वर्तमान योग हो जाएगा 1 में 4 बढ़ी तो 2 में 4 दूना 8 बढ़ जाएगी, इस 68 में जोड़ दिए तो हो गया 76, माइंड में ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब ये अभी वर्तमान 4 वर्ष बाद का योग हो गया 76 और 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना 14:5, तो एक पिता की हुई 14, तो पुत्री की हुई 5, मिलके कितनी हुई 19, इस 19 का मान है 76, तो 1 का मान कितना होगा 19 चौक 76 4 होगा, 1 का मान 4 हुआ तो 4 साल पहले 14 गुणे 4 आपका 56 हो जाएगा पिता, और पुत्री कितना हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा 4 गुणे 5 यानी कि 20 की होगी। आपसे वर्तमान आयु पुत्री की पूछा है, तो 20 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 16 आएगा, ऑप्शन में नहीं है तो आपका इस तरह से ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा गया कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है, इसका मतलब कि सुरेश और उसके पिता की आयु का अनुपात 2:1 होगा क्या, क्योंकि सुरेश 1 होगा तो पिता उसका दुगुना होगा। फिर उसके बाद आपसे कहा कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी का मतलब कि 1 से 1/2 यानी कि आपका 3/2 यानी कि पिता होगा 3 का, तो पुत्र कितने का होगा 2 का। अच्छा ये बताओ, ये रेफरेंस
वर्तमान से 20 साल बाद जा रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे 20 लिख दो। हमने क्या कहा कि इनका क्रॉस गुणा करके घटा दो, क्रॉस गुणा दो दूना चार, तीन एक कम तीन, घटाए तो चार में से तीन, घटाए तो एक। अब इनका क्रॉस गुणा करना है तो इनको घटा के एक साथ 20 में गुणा कर लो, या 20 तीन साठ, 20 दूना 40, घटाओ तो कितना आया आपका 20 आया। एक का मान 20 हुआ। आपसे कब की पूछा है, वर्तमान पूछा है, तो अभी कितना है, ये 40 हो जाएगा पिता, और बेटा कितने का हो जाएगा 20। तो किसका पूछा है, उसके पिता की, तो 40 है क्या ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन 40 है वर्तमान, तो आप इसे 40 लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु, पिछला सवाल रिपीट हो गया लग रहा हमें, चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल, सीता और गीता की आय का अनुपात है 8:9, इनकी आय का योग कितना है 68। आपसे पूछा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात कितना होगा, तो अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए अनुपात कितना, 9:8, योग दिया तीन, दोनों के अनुपात को जोड़ लो, संयोग से दोनों वर्तमान का ही है, तो इनको जोड़े तो 9, 8, 17 हुआ, और इस 17 का मान 68 हुआ, तो एक का मान कितना हुआ 4 होगा क्या, एक का मान हो गया 4। आपसे किसका पूछा, दोनों का आय का अनुपात, तो एक का मान 4 हुआ, तो 8 चौके 32 एक हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा। कब का पूछा है, 10 वर्ष बाद, इसमें 10 जोड़ोगे तो 42 होगा, इसमें 10 जोड़ोगे तो 46 होगा, घटाओ दोनों को रेशियो कर लो, तो रेशियो लोगे तो 2 से कटेगा, तो 21:23 ऑप्शन में है क्या, 21:23, हाँ डी ऑप्शन है, तो आप इसे लगा सकते हो। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड़ा की वर्तमान आयु है 15 वर्ष, तो 15 वर्ष बीड़ा की वर्तमान आयु, कहा कि बीड़ा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7, थोड़ा सा अंतर इस सवाल में है तथा दिनेश तथा राहुल, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु पूछा है आपसे, ठीक है। एक बार सवाल फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीड़ा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु पूछा है। अच्छा ये बताओ कि ये 5 वर्ष किसका है, बीड़ा का है, और बीड़ा का कितने के बराबर, 15 साल के बराबर, तो राहुल कितने के बराबर, तो इस 5 का मान 15 हुआ, यानी कि 3 गुना हुआ, तो 7 भी तो 3 गुना होगा ना, तो 5 का मान 15, तो 1 का मान 3, तो इस 7 का मान कितना आ जाएगा, 21 आएगा क्या, कितना आया 21, और ये जो 21 है ये 21 किसका आ रहा है, ये 21 आपका राहुल का आ रहा है ना, 21 किसका आ रहा है, राहुल का, क्योंकि आपने देखा कि ये वीड़ा और राहुल का आयु का योग था, नीचे दिनेश और राहुल का दिया है, तो राहुल का अभी 21 है, राहुल का 21 है, तो इसका मतलब इस 3 का मान 21 है, यानी कि 7 गुना है, तो इस 5 का मान भी तो 7 गुना जाएगा ना भाई, 3 का मान 21 तो 1 का मान 7, तो 5 का मान 35 वर्ष आ गया, यानी कि दिनेश अभी कितने साल का है 35, 4 साल बाद कितना होगा 39 होगा, ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये सवाल थोड़े से अच्छे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको कई स्टेप में जाना पड़ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की एक तिहाई, यानी कि लड़का 1 का होगा तो पिता 3 का होगा, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की वर्ष आयु की आधी हो जाएगी, यानी कि बेटा 1 का होगा तो बाप कितने का हो जाएगा 2 का, लेकिन वर्तमान से कितने साल बाद, 12 साल बाद हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे आप पिछले सवालों की तरह दोनों जगहों पे 12 कर लेना, यहाँ पे क्रॉस गुणा करके घटा लो, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, घटाए तो कितना आया 1, अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करके घटा लो या घटा के गुणा कर लो, एक बार 12 का बात एक ही होगा,
तो 12 कम 12, 12 दूना 24 घटाओगे तो 12 आएगा, 1 का मान 12 हुआ तो वर्तमान आयु जाओगे तो पिता 36 होगा, बेटा कितने का होगा 12, तो आपसे बेटे की उम्र पूछा तो 12 वर्ष हो जाएगी। तो अगला सवाल, तो ये आखिरी सवाल था, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।